देखिए क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक कोन है, उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है और उसका वॉल्यूम 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है और पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज़ करना है, 22/7 यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। तो हमें एच गिवन है कितना है 15 सेंटीमीटर, हमें इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कितना है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, हमें इसकी रेडियस को फाइंड करना है। तो देखिए जब हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन हो और किसी और की वैल्यू हमें निकालनी हो तो आप जो है वॉल्यूम का यूज़ कर लिया करें। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है 1/3 πr²h। जो कोन होता है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr²h होता है। तो यहाँ पर 1570 आप ऐसे ही रखेंगे, 1/3 को आप ऐसे ही रखें, पाई की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 3.14 और मल्टीप्लाई आर हमें चाहिए, आर स्क्वायर ऐसे रखेंगे, एच आपके पास कितना है 15 इज इक्वल टू 1570, ठीक है। अब आर स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है तो 3 से कट कट जाएगा, 5 टाइम हमारे पास आ जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1570। आर स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है वो 1570 के अपॉन में आ जाएंगे, 3.14 भी और 5 भी, 3.14 और मल्टीप्लाई 5। जब हम 5 से इसको काटना चाहेंगे तो 5 3 15 और 5 1 5, 2 बचे 20 हो गए, 5 4 20, तो आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3.14 और अपॉन में 3.14, ठीक है। जब आप इसको देखेंगे आगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो यहाँ पर 2 0 आ जाएंगे। तो हम आगे देखेंगे इसको तो आर स्क्वायर ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर 314 और 00 और अपॉन में कितना आ गया 314। इससे काटेंगे तो 1 टाइम कट जाएगा, 100 आ जाएगा। आर स्क्वायर को जब देखेंगे तो ये 100 के इक्वल आ जाएगा। जब जिसकी वैल्यू निकालते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर होता है तो इसके ऊपर से स्क्वायर हटाकर सामने वाले पर हम रूट चढ़ा देते हैं, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब आपको मालूम है 100 को हम 10 × 10 लिख सकते हैं और आपको मालूम है इस रूट में से वो चीज़ बाहर निकलती है जिसका पेयर होता है, तो 10 का पेयर है तो 10 बाहर निकल जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है 10, तो इसलिए जो रेडियस आ गई है वो कितनी आ चुकी है 10 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा।